नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। आज हम उस मसले पर, या ये कहें कि उस दुखद घटना पर बात करेंगे जो दो दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लोग दुख मना रहे हैं और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी दुख जताया जा रहा है। ये दुख है, ऐसा दुख जो शायद ही कभी भर पाए उस परिवार के लिए। एक यंग टैलेंट, 28 साल का नौजवान, इस दुनिया को जिसने अलविदा कह दिया, जिसकी हत्या कर दी गई, वो भी निर्मम तरीके से, गोलियों से छलनी कर दिया गया। पंजाब के मनसा जिले में रविवार शाम तक सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही एक सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक काली महिंद्रा थार पर तीन गाड़ियों में मौजूद बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। बाद में जब लोगों ने पास जाकर देखा तो सबकी आंखें सन रह गई। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मूसा पिंड की जान, जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला मौजूद थे, जिन्हें बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। गाड़ी के शीशे गोलियों की वजह से चकनाचूर हो चुके थे और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। गाड़ी की हालत ऐसी कि मानो परकच्छे उड़ गए हों। ड्राइविंग सीट पर सिद्धू बिल्कुल बेसुध पड़े थे, शरीर के कई अंगों से खून निकल रहा था। सिंगर के साथ में दो और लोग मौजूद थे जो घायल थे। मूसा मनसा जिले में पड़ने वाला गांव है, इसी के नाम पर शुभदीप सिंह ने अपना नाम बदलकर सिद्धू मूसेवाला रख लिया था और इसी से वो फेमस हुए। सीसीटीवी में कई संदिग्ध कारें कैद हुई हैं। सिद्धू मूसेवाला पर हमला किसने किया ये अब तक साफ नहीं था। इस बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई, इसमें पता चला कि एक बोलेरो गाड़ी समेत तीन कार सिद्धू की कार के आगे पीछे थी। उनमें से दो गाड़ियों ने आगे से सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोका, फिर तीनों कारों से उतरे लोगों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद राजनीति तेज हो गई है। मूसेवाला की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया। हर सिर्फ राजनेता ही नहीं, जो उनके समर्थक है, जो प्रशंसक है, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया जा चुका है। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट आपकी चल रही स्क्रीन पर। सीएम मान ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही। केजरीवाल के घर का घेराव कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मूसेवाला की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जम्मू में भी युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सिर्फ गैंगवार की जो बातें निकलकर सामने आई थी, वो गैंगवार न रहकर अब इसमें राजनीति भी लगातार हो रही है। बताया तो जा रहा है कि गैंगवार है, इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। तो ये बहुत ही दुखद है और कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आगे कुछ देर में तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। इससे पहले आपको बता दें कि इस केस में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाले की हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने पूछताछ में बड़ा दावा किया है। गिरफ्तार आरोपी शाहरुख ने स्पेशल सेल को बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने का काम उसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिया गया था। उन्होंने पहले भी सिद्धू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब सुरक्षा कर्मियों को देखकर ये लौट गए थे। पूछताछ में शाहरुख ने कुल 8 नाम बताए हैं। धरपकड़ लगातार जारी है। उत्तराखंड से भी तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर उसने हत्यारों की मदद करने का आरोप लगाया। इसमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख को गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू के मर्डर का काम सौंपा था। उन्होंने सिद्धू के मर्डर से पहले रेकी भी की थी। तो ये तमाम सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक यंग टैलेंट, आखिर पंजाब में क्या हो रहा है? ये पहली घटना नहीं, से पहले भी ऐसे कई पंजाबी सिंगर्स पर हमले हो चुके हैं। 2018 का मैं जिक्र करूं तो यहां पर परमीश वर्मा बड़ा नाम, उन पर भी इस तरह का जानलेवा हमला हुआ। हालांकि वो खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, लेकिन मूसेवाला खुशकिस्मत नहीं थे।
तो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी हैं आम आदमी पार्टी से, सुधा मिश्रा कांग्रेस से, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लग रहा है कि सरकार ने सुरक्षा घटाई और तभी मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। मैम नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे आपने मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि ये विपक्षी दल ये रूमर फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने वीआईपीओ की जो सिक्योरिटी को खत्म कर दिया जिसके कारण सिद्धू मूसेवाले की निर्मम हत्या हो गई। आम आदमी पार्टी पहले तो उस परिवार के साथ है जिस परिवार का एक बच्चा, इकलौता बच्चा चला गया। कांग्रेस का एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा था, जो उभरता चेहरा था, उसके साथ उसकी हत्या हो गई। आम आदमी पार्टी ने उनका कोई भी सिक्योरिटी पूरी तरह से खत्म नहीं की थी। पूर्व में भी, क्योंकि जून है, जून के महीने में घल्लूगारा हुआ था, घल्लूगारा करके सिक्योरिटी की, पुलिस की बड़ी कमी है पंजाब के अंदर पूर्व से ही। तो हर वर्ष चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा बादल की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, वो शासन से एक इसकी समीक्षा होती है। समीक्षा होने के बाद कुछ वीआईपीओ के जो फोर्सेस है उसको कम किया जाता है। सिद्धू मूसे जी को पंजाब पुलिस की ओर से 4 कमांडो दिए गए थे जो कमांडो थे, और सिद्धू मूसे की खुद की अपनी सिक्योरिटी थी। उनके पास शासन प्रशासन ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दे रखी थी। एक इत्तफाक था, एक बड़ी अनहोनी होनी थी जो सिद्धू मूसे जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी काली थार से जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, अपने जो कमांडो पंजाब की ओर दिए, पंजाब सरकार की ओर से दिए थे, उनको उन्होंने 2 कमांडो के साथ में नहीं लिया, और जो इनकी खुद की सिक्योरिटी उनको साथ में नहीं लिया, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा घट गया। एक उभरता नेता, एक उभरता कलाकार हमारे और आपके बीच में नहीं है। इस दिल से इतना मैं दुखी हूं जब से मैंने इस न्यूज को देखा और उन वीडियो को देखा, अभी तक मेरी आंखों के सामने उसके वीडियो गुजर रहे हैं। इसका आम आदमी पार्टी को बहुत दुख है। माननीय जो सीएम है पंजाब के भगवंत मान जी, उन्होंने भी बहुत दुख जताया है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका दुख जताया है। दुख पूरा देश जता रहा है क्योंकि एक यंग टैलेंट था, 28 साल का नौजवान जो कि टैलेंटेड था और कहीं ना कहीं फेमस इतना हो चुका था कि एक गाने से शोहरत हासिल हुई, साथ ही साथ उतने फेमस हो गए और सिर्फ पंजाब ही नहीं देश भर में उनके इतने प्रशंसक थे। और आज तस्वीरों से साफ हो गया है जिस तरह से लगातार मार्केट में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस मार्केट में सिद्धू मूसेवाला जाया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे भी लोग हैं, आम जनता है, वो किसी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले ही क्या कम पंजाब में गैंगस्टर थे जो एक और गैंगस्टर के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई है पंजाब में। और देखिए ये शब्द, क्योंकि आप एक एंकर हैं, आपको भी शोभा नहीं देता और जो ये बात कह रहे हैं उनको भी शोभा नहीं देता। पंजाब की सरकार जो है चुनी हुई सरकार है, पंजाब के लोगों के द्वारा सुन के आई वो सरकार बनी हुई है। इन शब्दों को हम इन चैनलों पे चर्चा करें शोभा नहीं देता। लोग क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र है हमारे संविधान में, सबको इजाजत अपनी बात रखने की। आपसे सवाल करें ना, मैं मजबूर थी कहने के लिए, मैं मजबूर थी, बिल्कुल आपने वही कहा जो बिल्कुल नहीं कहना था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं वही आ रहा हूं, आम जनता सवाल कर रही है और आम आदमी पार्टी पंजाब में है, सवाल आपसे ही किया जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, दुखद है जो घटना घटी है, वो तो दुखद है ही, सबसे बड़ी बात उसकी वर्षना जितनी की जाए उतनी कम है, और इसकी जिम्मेवारी भी आम आदमी पार्टी ले रही है, जिम्मेवारी से भाग नहीं रही है। आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में 90 दिन नहीं हुआ है। इससे पहले 5 साल लगातार अमरिंदर सिंह की सरकार थी, चन्नी जी की सरकार थी, उससे पहले 10 साल पहले बादल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी। तो सरकारें तो इन्हीं के रही है ना वहां पे। देखिए आप बात समझिए, सरकारें तो लगातार इन्हीं के रही है। इन्होंने पंजाब का क्या ऐसी स्थिति बना दी कि आज पंजाब के अंदर आतंकवाद और गैंगवाद को हमने 90 दिन में तो खड़ा नहीं कर दिया। आम आदमी पार्टी अब 90 दिन हुए हैं, 90 दिन में आम आदमी पार्टी ने तो इसको नहीं खड़ा कर दिया, इसका इल्जाम तो हम पे नहीं लग सकता। पूर्व की सरकारों ने जो वहां पे ढील दे रखी थी, जो हथियार थे वो हथियार जो हमने तो नहीं बांट दिए ना वहाँ पे, ये तो पहले से आए हुए वहाँ पे, तो इनकी सरकारें फेल हुई हैं। हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि आगे पंजाब नशा मुक्त हो, गैंग मुक्त हो। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बस सवाल इतना है, लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि उनकी सिक्योरिटी हटाई गई और अगले दिन
इतना बड़ा दर्दनाक ये हादसा कहें, दुख कहें, जो दुखों का पहाड़ परिवार पे टूटा है, उसका अंदाजा तो मैं और आप शायद ही लगा पाए। सुधा जी हमारे साथ बनी हुई है, सुधा जी हमारे साथ बनी हुई है, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं बोलने का। सुधा जी, कांग्रेस से चुनाव लड़ा सिद्धू मूसेवाला ने, हार गए, लेकिन बड़ा चेहरा, बड़ा नाम अपने आप में, लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों में पंजाब में क्या बदला है? पंजाब में कई गायकों की हत्या यू ही हुई है, गैंगवार कह रहे हैं कि गैंगवार के चलते हत्या की गई, ये गैंगवार आखिर क्यों पंजाब में चल रहा है? तिहाड़ से लेकर कनाडा तक इसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि तिहाड़ में प्लानिंग की गई, कनाडा से सुपारी दी गई, उसके बाद पूरी सोची समझी साजिश, AK-47 नहीं, उसके बाद दूसरे हथियार मंगाए गए, उन हथियारों से गोलियों से छलनी कर दिया गया एक ऐसे नौजवान को जो कि इस इंडस्ट्री में एक उभरता सितारा था। जी काजोल जी, पूरे परिवार के साथ कांग्रेस की जो झकती हुई है उसके बारे में ना कोई भरपाई कर सकता है, ना किसी के सांत्वना के कोई शब्द उनको वापस ला सकते हैं। अभी प्रतपाल जी बता रहे थे कि हमारे सामने वो चित्र घूम रहे हैं, जो कुछ भी घूम रहा है, तो मैं बस दो लाइनें इनसे कहना चाहती हूँ कि अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो, अपनी झूठी बातों से लोगों के दिलों में नफरत घोलते हो, तुम मुझे ये बताओ कि कभी सच भी बोलते हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें 90 दिन की इन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जो कुछ सरकारें थी उनकी वजह से हुआ, पिछला क्या होता है और वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका हम दूसरों पे रख के बंदूक नहीं चला सकते हैं। 90 दिन, 90 हत्याएं, और इस तरह से अपराध में अपराध की जो वृद्धि हो रही है उसको आप देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ कम किया गया था, उन्होंने लापरवाही की, इनके शब्दों का प्रयोग आप देख लीजिए, बोले उनकी लापरवाही थी, आपने अगर उनके सुरक्षा गार्डों की कमी की थी तो इसको सोशल मीडिया पे सूची डालने की क्या जरूरत थी, जबकि आपको मालूम था क्राइम जो साइबर क्राइम है वहां से इंफॉर्मेशन थी कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद भी आपने कम किया, उसको सोशली आपने सोशल मीडिया पे डाला, और होता क्या है, आपके वो कृत्य के करते ही उनकी हत्या हो जाती है। तो इस पे प्रश्न खड़ा होना, एक साधारण व्यक्ति भी इस पे प्रश्न खड़ा करेगा कि आपके मंसूबे क्या थे और पंजाब में आप क्या कराना चाह रहे हैं। अगर आप सच में इतने सजग होते तो आप भी जानते हैं काजोल जी कि जो यहाँ पे केजरीवाल जी हो या उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, या फिर राघव चड्ढा हो, या जितने भी लोग हो, उनके सुरक्षा के गार्डों को कम क्यों नहीं किया गया, उनके अधिकारियों को कम क्यों नहीं किया गया? आप जो लिस्ट निकाल रहे हैं कि यहाँ पे हर साल होता है तो सबका कम करिए ना, आप गिन के लोगों को सूचना दे रहे हैं कि इनके पास सुरक्षा गार्ड नहीं है, इनको हटा रहे हैं, अब जिसको जो करना है करे। अरे कम से कम 90 दिन है तो 90 दिन में आपको हालात खराब तो नहीं करने हैं? अगर खराब, आप कह रहे हैं कि हालात खराब थे तो आपको सही करना चाहिए था ना, 90 दिन छोटा टाइम नहीं होता, 3 महीना होता है, और आप लोगों को सिर्फ ये मिल गया है कि जब कोई अच्छा काम करेंगे तो पीठ ठोकेंगे अपना कि हमने अच्छा कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई बुरा काम होता है आप कहते हो दूसरी सरकारों का इसमें हाथ है, हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा काम आपसे हो रहा है और जैसे ही कुछ बुरा होता है उसमें किसी और का हाथ होता है। आप सिद्धू मूसेवाला, जो व्यक्ति अपने जमीन से जुड़ा हुआ, जो व्यक्ति अपने देश से जुड़ा हुआ, आपने देखा कि नाम बदल के उन्होंने अपने गांव का नाम रखा था अपने साथ, मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं देश हित में था, अपने लोगों से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, साधारण परिवार का बच्चा जो वापस नहीं आ सकता है, संवेदनाएं हम कितनी भी दे लें, कितना भी कुछ कर लें, क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? लेकिन आगे 30 गोलियां छलनी कर दिया आगे ऐसा, क्योंकि कौन सी गोली पे किसका नाम लिखा है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द आज एक वीडियो सामने आया है, एक वीडियो सामने आया है, और ये कहा जा रहा है कि खालिस्तान को बढ़ावा दें, बाकी जो गायक हैं वो सामने आए, इकट्ठा हुए 6 जून को इकट्ठा हुए, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था उसको बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ की जा रही है, और कहा जा रहा है कि अब अपने लिए सोचें, आप इस कौम में आए, तिरंगे के लिए मत सोचें, ये जो मानसिकता है ये पंजाब से कब खत्म होगी? पंजाब में हथियार कहाँ से आते हैं? उड़ता पंजाब कब रुकेगा, कब तक उड़ता रहेगा पंजाब? आप जब सत्ता में आए थे, अभी प्रीतपाल जी सत्ता में आए तो आप लोगों ने भरोसा जताया था कि हम लोग जो है वो सुशासन देंगे, आप ये बताइए कि ये जो वहां पर नशीले पदार्थ आते हैं, जो हथियार आते हैं, वो कब आने बंद होंगे?
कब तक यंगस्टर्स यूं ही इस दिशा में चलते हुए नजर आएंगे? पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जाकर उसके बाद गैंगस्टर बन जाते हैं, गैंगवार में शामिल हो जाते हैं, बिश्नोई गैंग बना देते हैं, कुख्यात बिश्नोई गैंग जिसमें 700 से ज्यादा शूटर बताए जा रहे हैं। इनकी किसी को कोई खबर नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारी बहन भी कांग्रेस की प्रवक्ता जो है, चूंकि उनकी लाइन जो है वो विपक्ष की रहेगी, मैं उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता। बस आपके ही सवाल में आपका ही जवाब है कि ये कुछ 90 दिन में हमारी पार्टी ने उस वहां खड़ा नहीं कर दिया। कांग्रेस की अमरिंदर सिंह की सरकार थी, चन्नी की सरकार थी, जो आप बता रहे 700 लोगों का गैंग है, वो 90 दिन में स्थापित नहीं हुआ, 90 दिन में अपना वो धौंस नहीं जमा पाए। ये पूर्व की सरकारों ने कर रखा, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी आई है और ये नकेल कसना शुरू कर दिया है वहां। सर एक मिनट माफ कीजिएगा, बीच में टोक रही हूँ। देखिए सर, मेरा मकसद इस पर चर्चा करना ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ हूँ या मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ या मैं कांग्रेस के समर्थन में हूँ या मैं आपके समर्थन में हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पंजाब के जो नौजवान हैं, जो उड़ता पंजाब में अपने आप को उड़ा रहे हैं या हथियारों को अपने गले लगा रहे हैं या हथियारों से खेल रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। बस बहुत हो गया, आगे कौन सा गायक निशाने पर रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे ही, क्योंकि कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही, बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा, तो ये तो पूरी तरह से गैंगवार यूं ही बढ़ता रहेगा। फिर किसी और, क्योंकि अभी विक्की मधुखेड़ा की जो हत्या हुई थी 2021 में, उसी का बदला ये बताया जा रहा है। आखिर कब तक सर हम इसमें बदलाव की नीति चाहते हैं? ये नहीं चाहते कि 90 दिन हुए हैं या 90 साल हो गए हैं, हम ये नहीं चाहते, 9 महीने हुए हैं। बिल्कुल, ये कह के कि 90 दिन हमारी सरकार को, हम अपने आप को बचाने में नहीं लगे हुए हैं, ना अपनी सरकार को हम कोई नंबर देना या नंबर कम करने में नहीं लगे हुए हैं। जैसे कि हमारी बहन प्रवक्ता कांग्रेस की कह रही है बार बार कि आप मरने के लिए छोड़ दोगे, तो ये वो कांग्रेस है जो हमसे पूछ रहे, जिसने 84 करा दी, हजारों लाखों लोगों को घर से बेदखल करवा दिया। ये हत्यारी कांग्रेस की पार्टी से आती है, जिस पार्टी ने 84 करा दी, 93 करा दिया, 96 करा दिया, उस पार्टी से हम क्या उम्मीद करें? आप ये बताइए, 90 दिन पहले जिनकी सरकार थी, इसी कांग्रेस की सरकार थी, चन्नी क्या कर रहे थे? चन्नी अपनी चुन्नी के नीचे प्रदेश में सरकार चला रहे थे। मैं आपके बीच में, आप अपने समय को बोलिए, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि आप अपने समय को बोलिए। 90 दिन में, आप अपने समय को बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा ना, मेरी बात जाएगी ना आपकी बात जाएगी। एंकर महोदय भी, आप भी थोड़ा सुनने का मादा रखिए, आप एंकर है और प्रवक्ता जो है, इनको इनकी अपने समय में बोले, इनके बीच में नहीं बोलूंगा। कांग्रेस को एक दूसरे, आपने एक सवाल पूछा उसी का जो जवाब दे रहा था, एक दूसरे पर आरोप लगा के तो कोई फायदा नहीं है। अभी बात नहीं समझे आप, मुझे पूरी बात मेरी आने तो दीजिए, मेरी पार्टी की, मेरी वहां सरकार है, आप सत्ता पक्ष की आवाज आने दीजिए, विपक्ष बोलेगा मैं उसको सुनूंगा, बात सुन रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, ये 90 दिन पहले सरकार किसकी थी वहां पे? कांग्रेस की तो थी, तो ये क्या कर रही थी उस समय? इनके समय में डंडेरिया वाले बाबे के ऊपर हमला हुआ, आज तक वो पकड़ा गया, गुरु ग्रंथ साहब की वहां पे अपमानित किया गया, खंडित किया गया, क्या इन्होंने उस पे उन लोगों को पकड़ा? जब एक अधिकारी उसकी पोल खोलने वाला था, उसको नौकरी से हटा दिया इन्होंने। तो असलाहे जो आए, या बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया की सुरक्षा की जिम्मेवारी कांग्रेस की थी कि नहीं? 5 साल बहन हमारी कह दी थी क्या कांग्रेस की नहीं थी? सर, अरे आज में क्या किया आपने? क्या बात कर रहे हैं बार बार? अरे हमें आए तो अभी हम आए हैं, अभी हम बैठे नहीं है कायदे से, नालायक बच्चे इन्होंने करके रखे हुए, तब धीरे धीरे हम हंटर चला के उसको सही करेंगे। हम अपने आप को उसके भाग तो नहीं रहे। ये हत्यारी कांग्रेस, हत्यारी जो कांग्रेस है, जिन्होंने 84, 93 और 96 करवा दिया, वो हमसे थोड़े पूछ सकती है? सर ये तो बचने वाली उनके बात है, उनके पास डिग्निटी नहीं है कि उनसे बात कर पाए। 90 दिन हुए हैं, ना वो राजस्थान संभाल पा रही है, कर्नाटक उनसे संभला नहीं, गोवा उनसे संभला नहीं, तो वो हमसे क्या बात करेगी? आम आदमी पार्टी अपने अपने काम को जानती है, हमारी सरकार, हमारे भगवंत मान जो सीएम है, अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने आज ऐलान भी कर दिया कि एक रिटायर्ड जज से एसआईटी बैठा के इसमें जांच होगी, बड़ा हो छोटा हो, इस पार्टी का हो उस पार्टी का हो, मेरी पार्टी का हो,
किसी का भी हो, ठीक है, उसको तुरंत पकड़ के कानून के हवाले किया जाएगा। ये हमारी पार्टी इसके लिए कटिबद्ध। ठीक है, आप ये कह दीजिए कि आने वाले जो 5 साल आप सत्ता पर काबिज हुए, 5 सालों में पंजाब का आप उड़ता पंजाब नहीं बनाएंगे, जो हथियार यहाँ आते हैं वो हथियार आने बंद हो जाएंगे, जो नशीले पदार्थ आते हैं वो यहाँ आने बंद हो जाएंगे, आप इस पर एक्शन लेंगे, गैंगवार पर भी एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 5 साल बल्कि छोड़िए, इसी साल आप ये साल खत्म होते होते तक पंजाब के अंदर आपको पुलिसिंग बहुत अच्छी दिखने लगेगी, नशे पे नकेल कसे जाएगी, युवाओं को नौकरियां देने का भी काम इसी हम इसी साल के अंदर करना शुरू कर देंगे। पंजाब में जो जो चीजें हैं, जो जो बातें हम लोगों ने, जो जो वचन हम लोगों ने पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के वासियों के साथ किए हैं, हम एक एक वचन को ग्रंथ के इस तरह मानते हैं, उसको पूरी तरह से हम करेंगे, और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरह की हरकत जो गैंगवार के तरह से हो रहा है ये दोबारा ना हो, इसके ऊपर हम लोग पूरी सख्त होंगे। यहाँ तक कि डीजीपी को तलब किया, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रदेश में आपने ये नहीं सुना होगा, उस प्रदेश के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी जा रही है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, सुधा जी अपना अपनी बात रखिएगा, उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल प्रीतपाल जी से भी है। जी बिल्कुल, जैसा कि सबसे जो बुरी चीज हो गई राजनीति की पिछले 10 वर्षों में, जो देखने को मिल रहा है कि आपको किसी बात का प्रश्न किया जाए तो आप पिछले जो वर्तमान, जहां शायद हम लोग थे भी नहीं, अगर मैं बात की जाए कि जिन सन की आप बात करते हो, बहुत से युवा अगर मूसेवाला का नाम ले तो उस समय थे भी नहीं, लेकिन आप लोगों को राजनीतिक अपने ऊपर कोई प्रश्न आप पे ना खड़ा हो तो पीछे भागते हैं, वर्तमान में रह के आप क्या कर रहे हो, प्रश्न जब उस पे उठता है तो उसका उत्तर देना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा कि जब भी ये लोग कुछ बातें करते हैं, पुराना क्या हुआ, सब तक भूल जाते हैं कि 1947 में वही कांग्रेस थी जिसने देश को, आज जितनी आप बातें कर पा रहे हो, जितना कुछ आप बोल पा रहे हो, कांग्रेस की बदौलत कर पा रहे हो, लेकिन नहीं, चूंकि हम कृतज्ञ हैं, हमें बात तो करनी ही नहीं है, हमें लगता है कि हम स्वयं में देश को इस स्थिति में ले आए हैं, तो ऐसे लोगों से कोई प्रश्न करके फायदा क्या होता है, क्योंकि पीछे ये रिले दौड़, पीछे दौड़ते हैं, मैं आती मैं बोल दूंगा, रिले दौड़ में आपको जो मिलता है उसके आगे जाना होता है, स्थितियां खराब है सबको मालूम है, उसको दूरी करने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ तो कम होना चाहिए था, जिस मुद्दों को लेके ये सरकार में आए हैं तब तो ग्राफ कम होना चाहिए था, एक ही दिन में होना चाहिए था, भाई आपने कहा था कि हमारे आते ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से भर्तियां करनी है, फिर से आप पुलिसिंग करनी है, सब कुछ तो आपके पास है ना, आपको उसको बेटर करना था, तो आपने क्यों नहीं किया, प्रश्न इस पे हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, बात इसकी नहीं हो रही है। सर जो मैम कह रही है, मैं मैम को भी ये बात कह देना चाहती हूँ कि बदला पहले भी कुछ नहीं था, बदला आज भी कुछ नहीं है, और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, तिहाड़ में बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई बंद है, वहां से पूरा अपना गैंग चलाता है, सिग्नल ऐप यूज करता है, कनाडा तक उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके बाद आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हम पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त कर देंगे, दिल्ली में आप एक पर एक फ्री दे रहे हैं। देखिए ये जो भी बातें आप कर रहे हैं इसका आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि दिल्ली में हम एक साथ एक फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में जो भी कर रही है ठेकेदारों, हमने देखिए आप किसी भी प्रदेश, आप किसी भी, आप देश के प्रधानमंत्री क्या आटा बेचते हैं दुकान दुकान जाकर, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री क्या कहीं कलाली पे बैठ के शराब कच्ची बेचते हैं क्या, या मनमोहन सिंह थे वो किसी दुकान पे बैठ के कहीं सोना तोलते थे क्या, सरकारों का काम है व्यवस्था बनाना, कानून बना देना, अगर किसी बात की प्रूफ हम बैठेंगे इस पर, और जो जिसका जिक्र आपने किया सर, जिक्र बस इतना है कि आपसे सवाल, देखिए आपसे सवाल इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे ऐसी चीजें ना हो, देश को टैलेंट की जरूरत है, इस गैंग वार में या ऐसे गैंग वार जो पहले भी होते आए हैं और आज भी हुए हैं, उन गैंग वार में ऐसे लोगों की जान ना जाए जो देश का गौरव बढ़ाते हैं और देश को विदेशों में भी प्रेजेंट करते हैं, अपने देश को, बहुत सारे गाने ऐसे थे इनके जिन्होंने, जिनको बहुत पसंद किया गया, विदेशों में भी बहुत पसंद किया गया। बात मेरी ये थी कि तिहाड़ से जो पूरा एक गैंग चल रहा है वो क्यों, उस पर क्यों नजर नहीं जा रही है, क्या वजह है, सरकार क्यों हाथ पीछे कर रही है, क्या है आगे, किस चीज का डर है? बताया जा रहा है कि अगर इंटेलिजेंस की हम बात करें तो पंजाब में कांटेक्ट करना चाहिए था, जो पहले ही तमाम चीज़ें पता चल गई थी वो भी नहीं हो पाया, और अगर दिल्ली की तरफ से इंटेलिजेंस ने पंजाब को कांटेक्ट किया है तो इसमें पंजाब का जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठते हैं।
देखिए ये जो भी बातें निकल के आ रही हैं आप चैनल के माध्यम से, चैनल पत्रकार सब इसमें लगे हुए रात दिन जो भी बातें समझ में आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है ये पुरानी रंजिश थी। और रंजिश की ये जो भी आप प्रतिबिंब जो अभी दिखा हम लोगों को ये रंजिश का ही दिखा, और इस पे अभी जांच हो रही है। हम जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज पर, हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए, हमारे तरफ से कोई ऐसी बात ना निकले जो आपके लिए ब्रेकिंग बने। हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि जो घटना घटी है वो बहुत दुखदायी है, उसको हम लोग भर्त्सना करते हैं। इस तरह की घटना पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इसके लिए हम पूरे कटिबद्ध हैं। हम पूरे एक एक जगह पर कहां हमारा लूप खोलना उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दिन रात वहां पे लगे हुए, हमारे गृह मंत्री वहां पे लगे हुए, पंजाब के डीजीपी को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए किसी चीज को आप चाहे जिस अब दो प्रदेशों में हमारी बहन की भी सरकार है, बहन हमारी बता दे क्या वहाँ पे कानून व्यवस्था, वहाँ बलात्कार होने बंद हो गए, हत्याएं होने बंद हो गए, ऐसा नहीं है। आप अपने कानून का दहशत कायम रखें, लाइन ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। प्रीतपाल जी मेरे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट आपसे मैं ये चाहूंगी कि आप ये कहें कि आगे पंजाब की स्थिति में सुधार होगा, दूसरा ये कि जो गैंगवार है इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें, जल्दबाजी ना हो। सर जल्दबाजी मैं नहीं कर रही हूँ, जो परिवार है उन्होंने क्या कहा है कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। जो परिवार का लेटर है वो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जो उनके पिता ने लिखा था, मांग की है जांच की। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत बखूबी जांच करेगी, लेकिन बस मैं इतना आश्वासन चाहती हूं कि सरकार जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में है, जो दिल्ली में भी है, अच्छी तरीके से इस पूरे मामले पर जांच विचार करें, जो भी दोषी उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, और जो गैंगवार ऐसे जेलों से चलते हैं उन पर भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं देश को, आपके चैनल के व्यूअर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें निष्पक्ष जांच कराएगी। जो भी दोषी हो, मेरी पार्टी का हो, उनकी पार्टी का हो, इसकी पार्टी का हो, देश का हो, विदेश का हो, उसको कानून के कदमों में झुकाकर पकड़ कर लाने का काम भगवंत सरकार वहां पे, भगवंत मान की जो सरकार है वो करेगी। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो भी अभी तो ये मामला घटा है, पिछले सभी सभी चीजों पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने लोग लगा दिए वहां पे, और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों की जिंदगियों और उनके आवागमन, उनके रहने की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो आम आदमी पार्टी को लगातार हो रहा है। इस पूरे मसले में भी खालिस्तान का जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? और खालिस्तान का मतलब तो आप बखूबी जानते होंगे, विदेशों से इस तरह की चीजें सामने आती है, विदेशों से, कनाडा से पूरी प्लानिंग होती है और यहाँ पर मर्डर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए केंद्रीय विभाग से भी इसकी बात की है, गृह मंत्री से भी इसके संपर्क में है, क्योंकि ये केंद्रीय मामला है, हम विदेशी मामलों में हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोगों ने इसके लिए केंद्र से कहा है कि इस बात को पता लगाए कि कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारे देश के भीतर आकर राज्यों में इस तरह की घटनाएं करके वो वापस चली जाती है। अपने एजेंसियों को दुरुस्त कीजिए, जो कमी है उसको दूर करके हमें बताएं, हमें इनपुट दें। अगर वो पंजाब से कहीं पे भी संपर्क रखता हो उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके कानून के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हम किसी भी बात पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हम वहां की एक एक लोगों की जिम्मेवारी हमारे सर पे है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, गायक हो, नेता हो, सबकी जिम्मेवारी हमारे सिर पे है। हम सभी की जिम्मेवारी अपने सिर पे लेते हुए अपने काम को पूरी बाखूबी निभाने का काम करेंगे। उम्मीद भी यही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सुधा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रीतपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला, 28 साल की उम्र, उभरता सितारा जिसने देश को अलविदा कह दिया गैंगवार के चलते, ऐसा कहा जा रहा है कि गैंगवार के चलते सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई, लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पर अंकुश कब लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कमिटमेंट्स तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन कमिटमेंट्स कब पूरे होंगे ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बन रही न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। We'll be right back.